हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आज के सेशन की। एक बार देखिए, सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी से सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए आज के सेशन की। देखिए, ये सेशन अब आपके लिए डेली शाम 4 बजे रेगुलर आएगा। कितनी बजे? शाम 4 बजे डेली शाम 4 बजे। देखिए, ये सेशन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है। देखिए, एक अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण यानी पढ़ाने के लिए योजना तैयार करता है। देखिए, सभी अध्यापक होते हैं वो जैसे पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाने से पहले वो शिक्षण के लिए पढ़ाने की योजना बनाते हैं। तो उसे छात्रों की, देखिए, एक तो आयु को ध्यान में रखना होता है और बौद्धिक आयु यानी जो मेंटल एज होती है उसको भी ध्यान में रखना होता है, यानी बालकों का बौद्धिक स्तर भी ध्यान में रखना होता है और आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है। क्या बालक जो शिक्षक होता है वो पढ़ाने से पहले जो शिक्षण योजना तैयार करता है तो क्या उसमें उसको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो बच्चा है वो अमीर परिवार से है या फिर गरीब परिवार से? तो देखिए, राइट आंसर देना है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए जो पढ़ाने के लिए जो योजना तैयार करता है उसको, देखिए, एक तो आयु को ध्यान में रखना होता है और बालकों का बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखना होता है। तो ऑप्शन देखिए डी जिन्होंने दिया है उनका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका क्या मत है? देखिए, शिक्षक होते हैं वो शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान यानी शिक्षा के क्षेत्र में ही वो कुछ खोज करते हैं, तो उसके विषय में आपका क्या मत है? इससे पठन पाठन कार्य बाधित होता है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक नई खोज करेगा तो क्या उससे जो पढ़ने पढ़ाने का जो कार्य है वो क्या बाधित होगा, या फिर अध्यापक का मूल कार्य पढ़ाना है या शैक्षिक विकास के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, या फिर जो क्रियात्मक अनुसंधान यानी जो खोज का कार्य है यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है? तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, परिष्कृत करना क्या होता है, यानी जो अध्यापन कार्य जो पढ़ाने का कार्य होता है उसको परिष्कृत करने का अर्थ क्या होता है, यानी शुद्ध करना। क्या करना? शुद्ध करना। परिष्कृत करने का अर्थ क्या होता है? शुद्ध करना, यानी जो कार्य जो पढ़ाते हैं उस कार्य को क्या करता है, शुद्ध करता है, यानी जो भी गलती होती है वो गलती देके हम सुधार सकते हैं। किससे? जब अध्यापक नई खोज करेगा तब। तो देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यदि आप क्वेश्चन ध्यान से समझ जाओगे तो देखिए उत्तर अपने आप ही, देखिए, आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? एक विद्यार्थी है, उसका असामाजिक कार्य यानी ऐसा कार्य जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं है उसको सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यहाँ बताया गया, पूछा गया, नहीं करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहे, या फिर विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, यानी जो अच्छा परामर्श दे सके, अच्छी तरीके से बच्चों को प्रेरित कर सके उसके पास भेजना, या फिर उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो देखिए, असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए?
देखिए, एक शिक्षक को ये दूसरे विद्यार्थियों से ये नहीं करना चाहिए कि उस बालक के साथ न रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, यानी जो कोचिंग ट्यूशन वगैरह करवाते हैं उनको अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे? उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, या फिर प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, या फिर इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, हमें क्या करना है, हम क्या है, एक शिक्षक है, तो उससे होने वाले ट्यूशन से होने वाली हानियों को बताएंगे। अब देखिए ट्यूशन से होने वाली हानियां कौन कौन सी होगी, यदि देखिए एक शिक्षक ट्यूशन कराने में लग जाएगा तो वो क्या करेगा, देखिए स्कूल में तो पढ़ाएगा कम, और जो ट्यूशन है, जो जहाँ ट्यूशन करवाता है वहाँ पढ़ाएगा अधिक। उससे क्या होगा, स्कूल में देखिए बच्चों की रुचि नहीं होगी, किस में होगी, ट्यूशन में ही होगी। तो देखिए ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा। और देखिए ट्यूशन, यदि बच्चे देखिए पहले कितने घंटे स्कूल जाते हैं, 6 घंटे वो स्कूल जाएंगे बच्चे, और फिर ट्यूशन के लिए चले जाएंगे। देखिए यदि बच्चा 3 घंटे ट्यूशन के लिए चला जाएगा तो कितने घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए। तो अब देखिए 9 घंटे हो गए, फिर देखिए 9 घंटे के अलावा बच्चा यदि स्कूल में उसे गृह कार्य मिलेगा तो 2 घंटे गृह कार्य करने में लगा देंगे, कितने घंटे हो गए, 11 घंटे। तो देखिए फिर बच्चा पढ़ेगा कब, देखिए बच्चा सब अध्ययन कब करेगा, यदि वो ट्यूशन चला जाएगा, स्कूल चला जाएगा, होमवर्क करेगा, तो देखिए यदि वो सब अध्ययन नहीं करेगा, यानी अपने आप ही वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे को जो भी पढ़ाया वो देखो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। तो ऑप्शन देखिए क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? जो हड़ताल होने लग जाती है ना, कई बार जैसे देखिए हम रास्ते में आते हैं और बीच में देखिए हड़ताल होने लग जाती है, तो शिक्षक होने के नाते आप हड़ताल के बारे में आपका विचार क्या है? अन्य मजदूर संघ की तरह ही अपनी मांगों के समर्थन में हमें हड़ताल करनी चाहिए, हड़ताल से छात्र प्रसन्न रहते हैं, या फिर हड़ताल से अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सकता है, या फिर हड़ताल से समाज में महारी निंदा होती है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, महारी देखिए नहीं आएगा, देखिए क्या होगा, हमारी निंदा होती है, देखिए महारी नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारी निंदा होती है, यानी क्या होता है, हड़ताल से समाज में हमारी निंदा होती है, हमारे देखिए हमारे बारे में जो लोग हैं वो बुरे वचन बोलने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या होगा, यदि हम हड़ताल करेंगे तो समाज में देखिए हमें बहुत ही नीची नज़रों से देखेंगे। तो ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पर्व, अब देखिए राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी पर विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका क्या विचार है? आदेश का अनुपालन करना मनोरंजन के साधन है, या फिर कोई लाभ नहीं है, या फिर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है? तो देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका क्या विचार है? एक शिक्षक का 15 अगस्त और 26 जनवरी पर विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है, यानी क्या होता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आपके विचार से विद्यालय में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? आपके विचार से आपको बताना है विद्यालय में जो नैतिक शिक्षा दी जाती है तो उसको प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रतिदिन अध्यापकों द्वारा नैतिकता पर भाषण दिया जाना चाहिए, नैतिक शिक्षा से संबंधित साहित्य बांटना चाहिए, समय समय पर अभिभावकों को नैतिकता के बारे में सजग करना चाहिए, जागरूक कराना चाहिए, या फिर अध्यापक अपने आचरण को संयमित और नियमित रखे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा,
नैतिक शिक्षा देना आवश्यक क्यों है? क्योंकि अध्यापक अपने आचरण को संयमित और नियमित रखे, इसलिए देखिए नैतिक शिक्षा देना आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रौढ़ शिक्षा। अब देखिए प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, पहले भी आपको कई बार बता दिया, यानी बढ़ी हुई अवस्था में जो शिक्षा दी जाती है लोगों को वो क्या होगी, प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा देखिए कौन व्यक्ति दे सकते हैं, सरकार के हाथ में होनी चाहिए। क्या सरकार ही प्रौढ़ शिक्षा दे सकती है, या फिर गैर सरकारी समितियां भी दे सकती है, या फिर शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, या फिर उपरोक्त सभी के हाथ में है? तो प्रौढ़ शिक्षा का जो अधिकार है वो किनके हाथ में है, कौन से व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा दे सकते हैं? देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक तो सरकार भी देखिए प्रौढ़ शिक्षा दे सकती है और गैर सरकारी समितियां भी दे सकती हैं, इसी के साथ जो शिक्षित व्यक्ति है वो भी देखिए प्रौढ़ शिक्षा दे सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करोगे? एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो आपसे मिलने कभी भी नहीं आते तो आप क्या करोगे? क्या उनके बालक पर ध्यान नहीं दोगे, या फिर अभिभावक को कुछ लिखकर भेजेंगे बच्चे के साथ, या फिर उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे कि आपके माता पिता तो आ नहीं रहे तो इसलिए आपको दंड दिया जा रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहला आपका कर्तव्य होगा कि बच्चे के साथ आपको उनके लिए कुछ नोटिस भेजना है। ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर होगा। देखिए सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हो। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आप लाइक करना है, और सेशन को आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भरसक प्रयासों के बावजूद, यानी बहुत प्रयास कर लिया उसके बावजूद जब सफलता न मिले तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था, लिया था नहीं, देखिए यहाँ आएगा लिखा था, यानी आपने बहुत प्रयास कर लिया और आपको सफलता नहीं मिली तो आप क्या समझेंगे, कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था, या फिर कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई इसलिए सफल नहीं हुए, या फिर बिना असफलता के सफलता नहीं मिलती, या फिर प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, क्या पता इसलिए सफलता नहीं मिली होगी। देखिए हमें ये समझना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा था, देखिए ऐसा हमें नहीं मानना है। देखिए कोशिश करने वालों ही की क्या होती है, जीत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आपकी राय में केवल शिक्षक ही समाज और देश में जागृति ला सकते हैं, क्योंकि वे सदैव पठन पाठन करता है यानी पढ़ता रहता है, या फिर उसका नैतिक आदर्श ऊंचा होता है, या फिर वह छात्रों और समाज को दिशा देता है, या फिर वह नवीन खोज करता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर क्या होगा, जो शिक्षक होते हैं वो ही समाज और देश में जागृति ला सकता है, क्योंकि वो छात्र और समाज को दिशा देता है, अच्छी दिशा देखिए कौन देता है, शिक्षक ही देता है। ऑप्शन देखिए सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, शिक्षण समय में कमी, या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, या फिर प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना? तो शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाने के कारण? ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है, रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे?
उसे गंभीरता से लेते हैं या फिर सामान्य ढंग से ले लेते हैं या फिर उसे मना करने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे कार्यों में बाधा ना डालिए या फिर उससे उसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी जो व्यक्ति आपके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं तो उससे हम क्या करेंगे, उससे कारण जानेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका क्या विचार होता है, उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना, या फिर खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, या उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है, या फिर सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 में, वहाँ क्या करना है, सभी को वहाँ देखिए हमें रहना है और सभी को अपने विश्वास में लेकर, जो खराब माहौल है उसमें हमें रहकर वहाँ सभी को अपने विश्वास में, यानी सभी को वहाँ विश्वास दिलाकर सुधारात्मक प्रक्रिया आपको प्रारंभ करनी है। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं, अपने सगे संबंधियों का, अपने माता पिता का, अपने मित्र का, या फिर उपरोक्त सभी। तो यदि आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, यदि निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो तो आपको देखिए किसका परामर्श उपयुक्त समझना है। यदि देखिए कुछ बच्चे होते हैं वो अपने सगे संबंधियों का परामर्श लेते हैं, तो कुछ होते हैं अपने माता पिता का, या फिर कुछ अपने मित्रों का देखिए परामर्श ले सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आप अपने दैनिक जीवन में महत्व किसे देते हैं। देखिए क्लास में किसी को बात नहीं करनी है, देखिए इतने कम टाइम में आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे, तो आपको आप क्यों नहीं पढ़ते, फिर बातें क्यों करते हो। देखिए आपकी एग्जाम आने वाली है, तो आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं। देखिए अगस्त लास्ट में आपकी एग्जाम होगी, तो आप अपने दैनिक जीवन में किसे महत्व देते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने को, अपनी समस्याओं को सुलझाने को, अपने प्रियजनों की रक्षा करने को, या फिर आदर्श और नैतिकता की रक्षा करने को। तो दैनिक जीवन में किसे महत्व देंगे, आदर्श और नैतिकता की रक्षा करने को। यदि आप अपने आदर्श और जो नैतिक गुण हैं आपके उनकी रक्षा कर लोगे तो दूसरों की समस्याएं भी सुलझा सकते हो और अपनी समस्या भी सुलझा सकते हो। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के विकास के लिए किसे उपयोगी मानते हैं, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, या फिर बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनकी जो गड़बड़ी है यानी जो गलती कर रहे हैं उनको शीघ्र दूर करना चाहिए, यानी उन्हें तुरंत दूर करना चाहिए, या फिर बच्चों को अच्छी बात बतानी चाहिए, या बाल मनोविज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। तो बच्चों के विकास के लिए किसे उपयोगी मानते हैं, यानी बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है तथा जो भी वो गलती कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको तुरंत दूर करना है। ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए आप प्रयास करेंगे, यानी स्वस्थ आदत छात्रों के लिए, छात्रों को स्वस्थ रखने के लिए, उनकी आदतों के विकास के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, उनके माता पिता को स्वस्थ आदत विकसित करने के लिए दबाव देंगे, या फिर स्वयं अपनी अच्छी आदतों को बताकर उनकी स्वस्थ आदतों का विकास करेंगे। स्वस्थ आदत तो आनुवांशिक होती है तथा इसमें कुछ भी नहीं किया जाता, या फिर स्वस्थ आदतों पर प्रतिदिन परिचर्चा करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, बच्चों में स्वस्थ आदत का विकास करने के लिए स्वयं अपनी अच्छी आदतों को बताकर उनकी स्वस्थ आदतों का क्या करेंगे, विकास करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आमतौर पर लोग 5 वर्ष से, यानी आपने लगभग देखा होगा लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो आपकी विचारधारा क्या है इसके बारे में।
उनकी बातों में प्राय असलियत होती है, अतः उसकी पर यानी उनकी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, या फिर उनकी बात में गंभीरता नहीं होती अतः उन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, या फिर वह हमेशा झूठ ही बोलते हैं अतः उन पर ध्यान देना ठीक नहीं है, या फिर उनकी जुबान ईश्वर की जुबान होती है आप महसूस करते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, उनकी बात में देखिए गंभीरता नहीं होती अतः उन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है, उनको पढ़ाना क्या आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर उनको पढ़ाने में सरदर्द अधिक होता है, या फिर वह अधिक शरारती होते हैं, या फिर उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका क्या विचार है, देखिए जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है, यानी क्या होता है छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उनकी मन स्थिति का हमें जानकारी मिलती है, ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आपको बताना है कैसा लगा आज का सेशन आपको, यदि आपको देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को आपको क्या करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है सेशन को, सेशन को लाइक करना है और देखिए सेशन को शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लगा आज का सेशन आपको। और अब आपको बताना है आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। तो चलिए क्लास को एंड तक देखने के लिए देखिए सभी को धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास देखिए हम यहीं एंड करते हैं।